हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम मशीन रेट के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मशीन रेट होता क्या है, बट उससे पहले भी मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ चीजें बता दूं हमारे चैनल के बारे में, कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना होगा। बट उसके लिए उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके बाद आप इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, इग्नू बीकॉम के ऊपर क्लिक करके, हमारे इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, जो कि ब्लू कलर से है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं। इसको कर लेने के बाद यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में आपको जाना है, और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का लिंक आपको शो कर रहा होगा, जिसको आपको क्लिक कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप के मेंबर को ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है, जो भी मेंबरशिप प्लान लेंगे, उनको व्हाट्सएप सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा 24/7 हमारी तरफ से। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे। आपको 40% डिस्काउंट पे जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। और दूसरी बात, जब भी आप स्टडी करें तो प्लेलिस्ट में आए, हमारे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें, नीचे में आए इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोज हैं। इनको अगर आप वॉच करेंगे, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज का टॉपिक हमारा देख लेते हैं, जो कि होने वाला है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मशीन आवर रेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मशीन आवर रेट क्या होता है। देखो, तो ये एक वेज पेमेंट मेथड है ना? जब आप किसी को वेज देते हो, सैलरी देते हो, जब आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको वेज मिलता है, ठीक है ना? तो वेज जो मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? आप कितना घंटा काम कर रहे हो उसके बेसिस पे मिलता है ना? तो यहाँ पे जो मेथड है ये डिसाइड करने का कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, इसको ना, इसके मेथड अलग अलग है। प्रीवियसली मैंने बताया था आपको कि एक मेथड होता है जो कि लेबर आवर मेथड होता है, जहां पे आप लेबर जितना देर तक काम कर रहा होता है बिजनेस में, उतना उसको जो है सैलरी मिलती है। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपका बेस होगा वो लेबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे मशीन आपका एक तरह से बेस होगा, कि मशीन आवर जो आपका होगा, जितने देर तक आप मशीन चलेंगी, मशीन जितने देर तक काम करेंगी, उसके बेसिस पे जो है आपको सैलरी, आपको जो है वेज मिलेगा। तो यहाँ पे मशीन आवर रेट चलेगा, ठीक है ना? तो इसके कुछ कुछ फायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान हैं, मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज जो है वो आपको मिलेगा कि कंसिडरिंग द कॉस्टिंग व्यू पॉइंट, कॉस्टिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से दिस इज द एक्यूरेट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो जो ओवरहेड्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, उनका प्राइस ठीक तरीके से निकालने के लिए ये जो मेथड होता है ये सबसे सूटेबल मेथड होता है, सबसे सही मेथड होता है ना? तो कॉस्टिंग के व्यू पॉइंट से ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, इट टेक्स द एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ द मशीन एंड दस गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो ये जो है एक तरीके से जो एक्चुअल रनिंग टाइम है मशीन का, किसी भी मशीन कितने देर तक वो काम कर रही है, उसके बेसिस पे आपको जो है इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है चीजों को निकालने का। तो ये जो है एक्चुअल जो मशीन आपका चला उसके बेसिस पर ये जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना बनाया रिजल्ट आपको दे दिया, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा, जो एक्यूरेट रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन आवर रेट, जो वेज पेमेंट सिस्टम है इसके तहत। तो दिस इज द सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज इज अंडर दिस मेथड स्टैंडिंग चार्जेस, जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है जिसे स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर सेपरेटली कैलकुलेटेड विदाउट एनी डिफिकल्टी, द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम कैन बी एसर्टेन्ड। तो इस मेथड के तहत जो स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, जो फिक्स्ड चार्जेस होंगे, और ऐसे चार्जेस जो कि वेरिएबल होंगे, जो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो क्रिएट करता है ये वाला मेथड। दोनों के बीच में डिफरेंट है जो है वो क्रिएट करता है, सेपरेट करता है दोनों चार्जेस को, जहां पे एक तरफ वो फिक्स्ड ओवरहेड दिखाता है, दूसरी तरफ वो वेरिएबल ओवरहेड दिखाता है। और ये जब चीजें हम कर पाते हैं तो हम ये पता लगा पाते हैं कि जो आपका आइडल टाइम है वो कितना आपका बीता है, क्योंकि उस आइडल टाइम में अगर आप काम करते तो आपको कितना बेनिफिट हो पाता। तो जो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम है वो निकालने में बहुत ज्यादा इस मेथड के तहत हेल्प होती है, क्योंकि ये स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस को एक तरीके से सेपरेट करता है, अलग करता है, और अलग तरीके से कैलकुलेट भी करता है, ठीक है। फोर्थ मेथड, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वेयर लार्ज स्केल ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द मशीन्स। तो ये जो मेथड है किसी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, जहां पर कि लार्ज स्केल ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे बहुत ही बड़े मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, उस जगह पे ये जो मेथड होता है ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है वहां पे, क्योंकि चीजें जो होती है वो मशीन के द्वारा की जा रही होती है। तो मशीन के द्वारा जब कोई चीज की जाएगी तो मशीन आवर रेट
ही वहां पे ज्यादा सुटेबली काम कर पाएगा, है ना। तो ये मेथड जो होता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे यू नो प्रोडक्शन यूनिट्स जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, वहां पे ये जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दिस इज द फोर्थ एडवांटेज। नाउ द फिफ्थ एडवांटेज इज कंप्यूटेशन इज मेड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सेपरेटली व्हिच फैसिलिटेट्स कॉस्ट एनालिसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड अदर डिसीजंस। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीवियस में 3 नंबर में, कि ये जो है एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ये अलग अलग कैलकुलेट करता है, जिसके बेसिस पे आप जो है कॉस्ट कंट्रोल और जो अदर डिसीजंस होते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो आप बहुत ही आसानी से ले पाते हो, है ना। तो ये इसका पांचवा एडवांटेज है, जहां पे ये एक तरीके से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर रहा है, जिसके बेसिस पे जो कॉस्ट कंट्रोल है और जो अदर डिसीजंस होते हैं वो लेने में आपको आसानी होती है। कॉस्ट कंट्रोल आप कर पाते हो, प्राइसेस जो है आप रिड्यूस कर पाते हो अपने प्रोडक्ट्स के। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस जो कि है मशीन आवर रेट सिस्टम के, है ना। जो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर कॉस्ट सेंटर्स मोस्टली ड्यू टू द प्रोडक्शन वर्क ऑन मशीन, दट इज इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो यही है। मुझे बहुत ही ऑथेंटिक लगा ये बात कि जहां पे मशीनें चल रही हैं वहां पे मशीन आवर रेट का इस्तेमाल करेंगे ना, लेकिन जहां पे मशीनें नहीं चल रही हैं वहां पे हम मशीन आवर रेट का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे हम लोगों को लेबर आवर रेट का इस्तेमाल करना होगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये मेथड जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, इसका इस्तेमाल हर जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह पे चीजें जो है मशीन में काम नहीं करती है। तो ऐसे कॉस्ट सेंटर्स जहां पे चीजें मशीनों के थ्रू हो रही हैं, प्रोडक्शन मशीनों के थ्रू हो रहा है, ये सिर्फ वहीं पे काम करेगा, इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस, है ना। सेकंड डिसएडवांटेज है कि इट डिमांड्स एडिशन ऑफ स्टाफ फॉर द क्लरिकल वर्क विच इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट। अब जब आप मशीनों के थ्रू सारे काम को करवाएंगे तो मशीनों का काम तो जो लोग कर देते हैं उनको तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अलग से क्लरिकल जॉब में लोगों को लगाना पड़ेगा ताकि वो चेक करें क्लर्क का जो काम होता है कि कितने घंटे मशीन ने काम किया, किसको कितनी सैलरी मिलनी है, कितने घंटों में कितने मशीन जो है बंद रहे, है ना, उनका आइडियल कॉस्ट कितना था। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको निकालनी होती है, या आपके यहाँ आपको अलग से क्लरिकल वर्क के लिए लोगों को अपॉइंट करना होता है, स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, राइट। तो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज अबाउट दिस मेथड इज दैट एक्यूरेसी इज एस्टिमेशन ऑफ मशीन आवर्स विल इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो आप एक तरीके से एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो मशीन आवर को, यू नो एडवांस में, है ना। तो जब एडवांस में किसी चीज को करने की कोशिश करोगे, जब तक वो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो डेफिनेटली जो टास्क होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसलीडिंग रिजल्ट। तो हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट निकल करके आए वो भी एक तरीके से मिसलीड करे, या जो भी रिजल्ट निकल करके आए वो सही ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। सो दीज आर द 3 लिमिटेशंस। इसके अलावा मैंने आपको 5 एडवांटेजेस भी बताए हैं मशीन आवर रेट सिस्टम के। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने इन दोनों चीजों को डिटेल में बताया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।